नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर 83 ऑफ आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 6.1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेवल 2। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम कह रहा है। गिवन दैट दिस एक्सप्रेशन सो दैट वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ ईच मेंबर ऑफ दिस इक्वलिटी इज दिस। इसका मतलब कि इस ये बराबर ये है इज इक्वल टू कह रहा है कि ये होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हम एक बार क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो आप देखिए, हमसे पूछ रहा कह रहा है कि इसका एक वैल्यू ये होगा। इसका सबसे इजी है कि आप देख लीजिए, 1 प्लस और 1 माइनस दिख रहा है। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा या प्लस, दोनों में से किसी से कर सकते हैं, हमको अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा। चाहे प्लस से कर लेते हैं, चलिए प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा। इससे मल्टीप्लाई लेफ्ट में भी कर रहे हैं और राइट में भी कर रहे हैं। ये बेसिकली इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इससे मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा सॉरी और 1 प्लस कॉस गामा। अब देखिए, इधर ये दोनों सब एक जैसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर 1 प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर और 1 प्लस कॉस गामा का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। सॉरी, गामा थोड़ा सा साफ से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर एक स्टेप और लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। ये क्या है, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा और 1 प्लस कॉस गामा। अब इस सारे को का स्क्वायर हम ले लेते हैं ताकि हमारा रिजल्ट, अब इसको हम ले लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। अब अपने को पता नहीं कि साइन अल्फा साइन बीटा गामा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो हम इसको प्लस करके ही दोनों ही साइन रखेंगे। और इसमें क्या लिखा हुआ, वन ऑफ द वैल्यूज, तो क्लियरली हेंस वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा, अगले पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए, हम लोग 1 माने थे वो, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 1 प्लस कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस बीटा 1 प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा है ये, 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस बीटा 1 माइनस कॉस गामा इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ये हो गया आंसर, नहीं प्रूफ करने के लिए बोला था, सॉरी प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हम लिख देंगे प्रूफ्ड। और ऑब्वियसली माइनस भी हो सकता है, तो वन ऑफ द वैल्यूज बोला है इसलिए हम लोग ऐसा लिखेंगे। तो ये हो गया प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।